हेलो जनाब, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत होंगे, अपने अपने घरों में सेफ एंड सिक्योर होंगे और SOP ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे, मास्क ज़रूर पहनेंगे। एक नया दिन, एक नया ब्लॉग। और जनाब, आज था वीकेंड और आज का दिन बहुत बिजी था, बहुत सारे काम थे जो कि हमें घर में निपटाने थे। और सुबह हुई हमारी इस नाश्ते के साथ, देसी नाश्ते के साथ। मैंने अंडे की भुजिया बनाई थी और पराठे बनाए थे साथ में, और ये मैं उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने ऑयल में प्याज डालकर और हरा मसाला डालकर अंडे भुने थे, साथ में टमाटर डाल के बहुत सारे। और जनाब, ये रहे पराठे और मेरा अंडा, अंडे की भुजिया और चाय, और ये हमारा देसी नाश्ता जो कि हमने संडे वाले दिन बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। और क्योंकि हफ्ते में एक ही दिन हम लोग ज़रा अच्छा सा नाश्ता करते हैं, अदरवाइज़ तो कॉर्नफ्लेक्स या पॉरेज वगैरह बच्चे वगैरह खाते हैं। अच्छा जनाब, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि घर में बहुत सारा काम था, तो ये था वो सारा काम, क्योंकि हमारी बालकनी पीछे की लीक कर रहा था पानी यहाँ से, और घर में चारों तरफ से हम सिर्फ पानी पानी हो रहा था, ठीक है? तो ये पूरा पानी हमारा ऊपर से लीक करता हुआ आ रहा था और ये इसके लिए फिट जा रही थी लाइन, टिप टिप बरसा पानी, ठीक है? तो ये सारा यहाँ से बह रहा था मुसलसल और अंदर तक हमारा जा रहा था। वो जो आपको स्लीपर्स दिख रही होंगी रखती हुई, वहाँ पर भी जी बिल्कुल यहाँ पर भी पानी पहुँच रहा था और ये पूरा रिमझिम यहाँ पर हुआ था पानी। तो जनाब, हम लोगों ने वो फिक्स करवाया प्लम्बर को बुलवा के, और यहाँ पे मैंने थोड़े से जनाब प्लांट्स लगाए हैं इस एरिया में, क्योंकि पूरा एरिया बहुत ही पुराना बना हुआ है और थोड़ा ख़राब, मतलब थोड़ा क्या, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा आँखों को सुकून देने के लिए छोटे छोटे पॉट्स में प्लांट्स लगा कर जो है यहाँ पर एरिया बनाया हुआ है, और चारों तरफ जैसे कि पानी पानी हो रहा है, आपको दिख रहा है। तो जनाब, ये मैंने हर चीज़ को यूटिलाइज़ करने की कोशिश की है। मेरे पास पेप्सी की बॉटल्स थी जिन्हें मैंने कट करके उनमें थोड़ा थोड़ा मनी प्लांट लगाया, और जो मग्गे मेरे टूट जाते हैं उनमें मैं मिट्टी डाल के मनी प्लांट लगा देती हूँ। और ये जनाब, ग्रीन अनियन भी मैंने उगाई है जी, बिल्कुल ग्रीन अनियन भी मैंने उगाई भी है। और इसके अलावा मैंने हरी मिर्चें भी उगाई हुई थी जो कि मेरी बेचारी मर गई, ठीक है? लेकिन अभी मेरा दोबारा से इरादा है, इस वाले पॉट में भी मैंने ग्रीन अनियन उगाई है, आगे एलोवेरा के पॉट में भी मैंने ग्रीन अनियन उगाई है, तीन चार गमलों में मैंने ग्रीन अनियन असल में उगाई है। मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है कि घर में आप किचन गार्डनिंग करें, और जो है ना हर चीज़ को ना इंसान को यूटिलाइज करना चाहिए। ये बिल्कुल मेरा मिंट भी रखा हुआ है, इससे पहले भी मैंने मिंट उगाया था लेकिन ये बेचारा मेरा मर गया था, लेकिन ये मिंट मेरा बहुत जाना माशाल्लाह से फैल है, अल्लाह का शुक्र है। और ये मेरे देखें मनी प्लांट यहाँ पे, ये मैं आपको बताऊँ, मैंने एक पॉट से जो है ना इतने सारे जो है ना प्लांट्स जो है ना बनाए हैं, और ये मेरा माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मनी प्लांट ग्रो किया है, और ये मेरा पूरा आगे तक फैला हुआ है। और ये मैंने उसकी स्प्राइट्स की और कोक्स की बॉटल्स भी काट के रखी हुई हैं, उनमें मनी प्लांट लगाया हुआ है। जो थोड़े टूट रहे होते हैं वो मैं पानी में डाल के ना इस बॉटल्स में रख देती हूँ, तो वो जड़ें ग्रो करने शुरू कर देती हैं उसकी ना। तो जब वो ज़्यादा जड़ें ग्रो कर जाती हैं तो मैं फिर उसको जो है ना पॉट में यानी मिट्टी में दबा देती हूँ, तो वो मनी प्लांट जो है ना अच्छे से ग्रो कर जाता है। आप देख सकते होंगे कि पूरा आगे तक मेरा मनी प्लांट ना माशाल्लाह से फैला हुआ है। इसके अलावा ना मतलब ये मेरी एक तो बहुत पुरानी कंस्ट्रक्शन हुई थी हमारे घर की, तो ये बालकनी हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में थी, तो इसको जो है ना एक बेहतर शक्ल देने के लिए मुझे इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगा नहीं कि मैं यहाँ पर प्लांट्स लगाऊँ, कम अज़ कम कुछ तो नज़रों को सुकून मिलता है। तो खैर जो है, क्या कहते हैं, हाँ, आप लोगों के पास अगर इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो कि मैं इसको कैसे रेनोवेट कर सकती हूँ कम पैसों में और अच्छे से मैं इसको कैसे मज़ीद कर सकती हूँ, तो मुझे ज़रूर बताइए कॉमेंट्स में। इसके अलावा ये सारे देखेंगे मेरी पूरी बेलें फैली हुई हैं पूरी, इसकी अगर आप देख पा रहे हो तो इसकी टहनियाँ तक इतनी चौड़ी चौड़ी और इतनी मोटी मोटी हो गई हैं माशाल्लाह से, कि मुझे बड़ी खुशी मिलती है इनको देख के ना, और इतना सूदिंग फील होता है। ये देखें पूरी लंबी लंबी जा रही है ना, और ये दो मेरे फेवरेट प्लांट्स हैं, और भी मैंने प्लांट्स लाने, लेकिन हमारे ये जो पैसेज है ना सिर्फ इतने एरिया में धूप आती है, ताकि एरिया हमारा कवर है, तो प्लांट्स के लिए धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये वाला बेल जो है मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट बेल है, और इसकी मैं बहुत केयर करती हूँ, बहुत जो है ना सेंसिटिव प्लांट है ये वाला, तो इसको मैंने इतना ग्रो किया है, ये बिल्कुल छोटा सा मैं लेकर आई थी, माशाल्लाह से इतना बड़ा हो गया।
तो खैर जो है ना, प्लांट्स को देख के ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने अपने पिछले घर में भी प्लांट्स लगाए हुए थे और उस दिन मैंने रात में पाए बनाए थे, तो ये पाए मैं मैंने धो के रखे और उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये ऑयल में मैंने प्याज भून कर इसमें अदरक लहसुन डाला और ये मिक्स मसाला था जिसमें हल्दी थी, पिसी हुई लाल मिर्ची थी और पिसा हुआ गरम मसाला था, पिसा हुआ धनिया था और नमक था। ये सब डाल के मैंने, और गरम मसाला अलग से, साबुत भी मैंने इसके अंदर ऐड किया था और दही, ठीक है, ये सब डाल के मैंने मसाला बना के इसका भूना था। और ये सारा मैंने मसाला जो पिसा हुआ था वो सब निकाल के एक बॉल में रख लिया था। और इसके अलावा यखनी मैंने चढ़ा दी थी पायों की, 3-4 घंटे अच्छी तरह पकाई थी, बकरे के पाए थे तो जल्दी गल गए थे। उसके अलावा मैंने फिर ये पाए थोड़े से निकाल के मसाले में भून के मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया था, गरम मसाला इसके अंदर ऐड हुआ था ऑलरेडी, ठीक है। और इसको फिर मैंने 3-4 घंटे अच्छे से पकाया था और इतने कोई यमी बने थे मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैंने बनाए और इतने कोई ज़बरदस्त बने थे ये, और माशाल्लाह से। और ये देखिए मेरी प्रेजेंटेशन, और मतलब ये हमने बहुत इन्जॉय किए थे और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो इसको बोलते हैं गूदे वाला सालन, तो वो बोलते हैं मम्मा गूदे वाला सालन बनाइए, गूदे वाला सालन बनाइए, तो मैंने उनके लिए बनाए थे और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है पाए। लेकिन इतने ज़्यादा हम ये खा भी नहीं सकते हैं देसी खाने, लेकिन वंस इन अ ब्लू मून, और अभी तो सर्दियाँ भी हैं, इनका सीज़न भी है, तो मैंने 2-3 दफ़ा इस वेदर में बनाए हैं। क्योंकि गर्मियों में तो आप इतने ज़्यादा पाए वगैरह और ये चीज़ें सारी नहीं खाते, लेकिन मैं बच्चों की हेल्थ के लिए और अपनी फैमिली के लिए, यानी मैं और मेरे हस्बैंड की, देसी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रखते हैं। उसके अलावा फिर हम लोगों ने खाना वाना खा के जो है, मुझे जाना था थोड़ा मार्केट और थोड़ा कुछ काम था और एक दो चीज़ें लेनी थी। अच्छा, उसके अलावा बोरजान में सेल लगी हुई थी, और पर अनलकीली जब हम बोरजान पहुँचे हैं तो हम काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए थे, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं मिला था, सब कुछ छट चुका था क्योंकि मार्केट बंद होने वाली थी और हम खाली हाथ ही घर को वापस आए। और हमारा ये दिन इस तरह एंड हुआ और हमारा वीकेंड इस तरह बिजी गुजरा। चले, आप लोग ख्याल रखिएगा अपना और मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।